हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ क्या, रवा उपमा। और ये डाला था मैंने पैन में घी, और उसमें गया ये रवा, बोले तो सूजी सेमोलिना। और हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है, और इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। मैं आपको दिखाती हूँ आज अपना एक छोटा सा गार्डन का व्यू। एक्चुअली मैंने लगाए थे कुछ बीन्स, और बीन्स कैसे लगाए थे मैंने, वो मैं जब सब्जी खरीद के लाई थी तो उसी में कुछ बीन्स थोड़े मोटे थे, जिनमें बीज थोड़े मोटे मोटे थे, उन्हीं को मैंने गमले में डाल दिया था और वो निकल आए। कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना। और इस बीच आपको मेरी रेसिपीज और मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ये देखिए कितनी प्यारी ये ग्रीनरी लग रही है ना। मेरा बस चले तो मैं चारों साइड पेड़ पौधे लगा के रहूं बीच में। और ये देखिए कुछ दिनों में आ गए इसमें इसके फूल, बीन्स के फूल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली खेती है, वो भी गमले में, नॉर्मल खेती से हट करके। देखिए छोटे छोटे हो भी गए हैं ये, कितने प्यारे लग रहे हैं। और आज मैं खुद से उगाई हुई बीन्स का यूज अपनी रेसिपी में करने वाली हूँ, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैंने एक सब्जी तो खुद से उगाई है। ये मेरी पहली कोशिश थी, मैं और भी ट्राई करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो इसे ही तोड़ ले रही हूँ, कितनी फ्रेश है। हाँ थोड़े से और बड़े होते ये, पर मैंने सोचा ठीक है अभी इतने से ही काम चला लेती हूँ, फिर बाद में और तोड़ लूँगी। मैं दिखाती हूँ इतने छोटे से पौधे में कितने सारे लगभग हो गए हैं, जिससे कि मेरा उपमा तो बन ही जाने वाला है। इतना ही काफ़ी है मेरे लिए उपमा में। देखो इधर भी छुपा हुआ था एक, और मुझे सीजर का यूज करना चाहिए था। चलिए मैं आ गई फिर से अपनी रेसिपी पे। ये रहे मेरे बीन्स, इन्हें मैं अच्छी तरह से मैंने धो लिया, एकदम फ्रेश है, और बस इन्हें काट लिया है। और मैंने उपमा के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए उसे भी एक जगह रख लिया है। ये प्याज मैं काट चुकी हूँ, ये रहे कड़ी पत्ता, ग्रीन मिर्ची, उधर है थोड़े से चने की दाल, उड़द की दाल, और ये थोड़ा सा काजू। ये मेरी सूजी हाँ अब लगभग भुन चुकी है, और इसमें से एकदम प्यारी सी खुशबू आ रही है, जो सूजी को घी में भूनने के बाद आती है ना। हमें इसे लाल बिल्कुल नहीं करना है, बस एकदम लाइटिस येलो, बस इतना ही काफ़ी, येलो भी नहीं होता है, ये एकदम क्रीम इसे बोल सकते हैं। हो गया, और मैंने लिया वापस सेम पैन, इसमें मैंने डाला एक चम्मच घी, ये घर की बनी हुई प्योर घी है जिसे मैंने खुद बनाया है। और मैं इसमें डालूँगी क्या डालूँगी, अच्छा हाँ चने की दाल, ये गया इसमें थोड़ा सा उड़द की दाल, और ये सरसों, राई, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसे। वो हमारे साइड जो सरसों होती है वो थोड़ी बड़े साइज की होती है, और बस इसे हमें चटकने देना है। और ये देखिए, और इसका कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा। मैं अब इसमें डालना है हमें क्या क्या डालना है, कड़ी पत्ता तो हाँ साउथ इंडियन डिश की जान होती है, बिना किसी कड़ी पत्ते के आप किसी भी डिश में नहीं देखेंगे कि वो अपना खाना बनाते हैं बिना किसी कड़ी पत्ते का। मैं मतलब इधर जब भी कुछ भी बाहर से मंगाइएगा आप, चाहे वो पनीर की सब्ज़ी क्यों ना हो, उसमें कड़ी पत्ता ज़रूर रहने वाला, और ये तो साउथ इंडिया की डिश है ही।
बस इसे मैंने इसमें डाला था काजू, और हमें इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा ये गई इसमें हरी मिर्च, और ये गया कटा प्याज, मैं इसे बारीक प्याज काटना है, और बस इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। और मैं अब लाने वाली हूँ साउथ इंडियन डिश की एक सीरीज, बोले तो रेसिपीज की, तो स्टे ट्यून और देखते रहिए मेरा चैनल ताकि आपको और आने वाले वीडियो पता चलते रहें। और ये गया मेरी द्वारा उगाई हुई जो बीन्स थी वो, और ये मटर। इसलिए ये डिश मेरे लिए स्पेशल हो गई है, क्योंकि तो आपको मैंने इतने बार अभी तक मैं बोल चुकी हूँ कि मैंने पहली बार बीन्स उगाया है। और हमें इसे थोड़ा सा पका लेना था, बस हो गया। और हमें डालना है इसमें पानी, बस थोड़ा सा नमक, ताकि ये जो हमने सब्जियां डाली हैं वो थोड़ी पक जाएं। और इसे हमें ढक देना है कुछ देर के लिए। वैसे इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जो मिसिंग है, इसमें गाजर भी डालना था, पर वो उस टाइम मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने बिना गाजर के बनाई है। इसमें काजू की जगह मूंगफली भी डाल सकते हैं, पर मूंगफली मुझे उतनी पसंद नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाला। आप वैसे भी डाल के बना सकते हैं। और बस हमें इसे रोस्टेड सूजी को धीरे 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 करके डालना है, और कंटिन्यूस चलाते रहना है, वरना उसमें गुठलियाँ हो सकती हैं, और इस बात का हमें ध्यान रखना है। बस इसे चलाते रहिए, और ये बहुत ही हेल्दी और बहुत लाइट वेट ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। साउथ इंडिया में ये फेमस है ब्रेकफास्ट में, आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। और मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़, मैंने पहले ही बोला मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और बस हो गया। और इसका अच्छा शेप देना चाहते हैं, जैसे कि मिलती है मार्केट में ये शेप में, तो बस इसे नॉर्मल डालिए इस तरह से कटोरी में, जिसका भी आपका से आपको शेप चाहिए, इस तरह से उसे हल्का सा दबाइए और पलट दीजिए। आ गया उपमा का परफेक्ट शेप। ये देखिए, और मैंने कुछ भी कटोरी में नहीं लगाया था, ये खुद ब खुद शेप में आ जाती है। और ये देखिए क्लोज लुक, मेरे 2 प्लेट तैयार है। मैं तो चली खाने मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट। आप भी फटाफट जाइए और बनाना शुरू कीजिए नेक्स्ट डे मॉर्निंग में लाइट वेट ब्रेकफास्ट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्चुअली मुझे इसे थोड़े से अनार के साथ खाना पसंद है, इसलिए मैंने साइड में ले लिया अनार, और मैं तो खा रही हूँ। थैंक यू फिर से।